नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ मुर्शिद हॉस्पिटल के CEO डॉक्टर काशिफ महमूद शाह साहब मौजूद है। आइए इनसे पूछ रहे हैं 2023 से लेके 2024 तक अब तक मुर्शिद हॉस्पिटल के हवाले से क्या अपडेट रही और फंड रेजिंग मुर्शिद हॉस्पिटल को कहाँ लेकर जा रही है, अगर फंड रेजिंग बहुत ही अच्छे तरीके से की जा सके तो। जी अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अमर ठीक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर। मुर्शिद हॉस्पिटल का सबसे पहले तो मैं एक साल का जो अब तक अपडेट एक होती है ना, वो मैं चाहूँगी कि आप हमारे नाज़रीन तक पहुँचाइए। ये बड़ा वैसे अहम आस्पेक्ट है, चूँकि वैसे तो मुर्शिद हॉस्पिटल को 35 साल हुए हैं, बट जो पिछला साल रहा है ये आई थिंक सबसे डायनेमिक रहा है, जो कि एक इस साल में तो एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा हुई, कैंप्स बहुत ज़्यादा हुए और आउट ऑफ वे माशाल्लाह हमने जो हेल्प की अल्हम्दुलिल्लाह, बलूचिस्तान सिंध या जो भी दूर दराज के पेशेंट्स आते थे, हमने खुद बड़े दूर दराज कैंप्स किए। तो आई थिंक ये जो साल रहा है, आई थिंक इट हैज़ बीन द बिजिएस्ट ईयर फॉर फॉर मुर्शिद हॉस्पिटल 2023। और अब चूँकि 2024 शुरू हुआ है, हो सकता है सेम सिचुएशन रहे, बट देखिए 2023 वाज एक्चुअली द बिजिएस्ट ईयर। और द गुड थिंग इज़ कि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि आई थिंक इस साल सबसे ज़्यादा फुटफॉल रहा है, पेशेंट सबसे ज़्यादा आए और दूर दराज आएँ, गरीब ज़्यादा आएँ। तसल्ली हमें ज़्यादा होती है जब इस किस्म के मुतवस्त तबके के या जो बेचारे गरीब पेशेंट्स आते हैं, जब उनकी हम खिदमत कर रहे होते हैं, उनको ऑपरेशन हो रहे होते हैं, उनका इलाज हो रहा होता है, तो हमें दिली तौर पर भी बड़ा तसल्ली होती है। जो इस किस्म की इवेंट्स होती हैं, तो जब फिलेंथ्रोपिस्ट आते हैं, डोनर्स आते हैं, जो हमारे ट्रस्टीज़ हैं, उनको भी बड़ी तसल्ली होती है, चूँकि ज़ाहिर है जिस पर्पज़ के लिए इदारा बना हुआ है वो अगर पर्पज़ फुलफ़िल हो रहा हो रोज़ाना की बुनियाद पर। अब इससे अंदर लगे अभी मैं यहाँ हूँ और अभी थोड़ी देर पहले मैंने कन्फर्म किया कि अभी भी ऑपरेशन वहाँ हमारे पास इस वक्त चल रहे हैं, जो कुछ आज एमरजेंसीज आई हुई हैं लेपरोटी में वगैरह। हमारे पास एक डॉक्टर खालिद शफीक साहब आज आ भी नहीं पाए, चूँकि वो बड़े बिजी रहे आज ऑपरेशन थिएटर में। तो आप सोचिए इस खदमत का ये जो ना जो इस वक्त जो एक्सट्रीम है क्लाइमेट से, माशाल्लाह ये बड़ा अल्लाह का बड़ा शुक्र है और वी शुड बी रियली ग्रेटफुल। फंड रेजिंग के हवाले से भी सर मैं जानना चाहूँगी, वो भी हमें बताते जाएँ हमारे नाज़रीन। देखिए फंड रेजिंग किसी भी फलाही इदारे के लिए बड़ी इंपॉर्टेंस रखता है। मुर्शिद हॉस्पिटल भी चूँकि एक फलाही इदारा है, तो जो फंड रेज होते हैं और पेशेंट्स को या स्टूडेंट्स को जो उसकी जो उसका मिलता है रिजल्ट इन टर्म्स ऑफ पेशेंट्स केयर या स्टूडेंट्स की स्कॉलरशिप या स्पॉन्सरशिप मद में, उसका प्रोपोर्शन अल्लाह का बड़ा शुक्र अहमद के बढ़ा है पिछले चंद सालों में। वरना अगर मैं रिट्रोस्पेक्टिव बात करूँ तो चंद साल पहले, यानी अगर हम चार पाँच साल पहले कोविड के दिनों में बात करें, तो इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा मुतासर थी। हालाँकि अभी भी इन्फ्लेशन है, मसाइल है, बट देखिए डोनर्स की तादाद अलहमदा फिर भी बढ़ी है। सो इसका मकसद ये है कि हम फिर पेशेंट्स को ज़्यादा सपोर्ट कर पा रहे होते हैं, ज़्यादा हम जो ना उनको केयर दे पाते हैं 24 घंटे अलहमदिल्ला।